What is equal to b by a, then prove that a sin a minus b cos a by a sin a plus b cos a is equal to a square minus b square by a square plus b square. Question must है ये, ठीक है? अब करना क्या है हमें यहाँ पे? सबसे पहले हम अपने question को ले लेते हैं. That means question का left hand side, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे cot a इज इक्वल टू b बाई a गिवेन है, वो रखा रहना, उसी से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है? तो ये हमारे पास है a साइन a माइनस b cos a टोटल का डिवाइडेड बाई a साइन a प्लस b cos a. क्लियर? अब देखो पूरे मतलब कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, साइन ए से डिवाइड कर देंगे, ठीक है? यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, ठीक है? मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम साइन ए से डिवाइड कर देंगे, ठीक है? हम लोगों का हो जाएगा ए साइन ए माइनस बी कॉस ए टोटल का डिवाइडेड बाय साइन ए, है ना? फिर आगे है ए साइन ए माइन प्लस बी कॉस ए टोटल का डिवाइडेड बाय साइन ए. क्लियर? अब देखो दोनों का बेस सेम है तो हम बेस को सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ए साइन ए बाई साइन ए, ठीक है, माइनस बी कॉस ए बाई साइन ए होल डिवाइडेड बाई ए साइन ए बाई साइन ए प्लस बी कॉस ए बाई साइन ए. क्लियर? यहाँ पे देखो साइन ए से साइन ए यहाँ पे कैंसिल, साइन ए से साइन ए यहाँ पे कैंसिल, ठीक है? यहाँ क्या बचा, ए माइनस बी. अब देखो यहाँ पे कॉस ए बाई साइन ए, कॉस ए बाई साइन ए हमारा होता है कॉट ए, ठीक है? तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉट ए होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे फिर से वही ए हमारा बच गया ए प्लस बी कॉट ए. क्लियर? अब आगे चलते हैं. यहाँ पे कॉट ए की जगह हम लोग क्या करेंगे, बी बाई ए पुट कर लेंगे, ठीक है? तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू कॉट ए की जगह क्या पुट करेंगे यहाँ से, बी बाई ए. क्लियर? होल डिवाइडेड बाई फिर से वही ए प्लस बी इंटू बी बाई ए. क्लियर? यहाँ पे अब क्या करोगे, बेस को इक्वल करना है. तो ये हो जाएगा, देखो इसका बेस कुछ नहीं है, ए यहाँ पे है तो हम क्या करेंगे, इसमें ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर और टोटल का बेस कितना हो जाएगा यहाँ पे, ए होल डिवाइडेड बाई फिर से वही यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर प्लस बी से बी मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर देन उसके बाद ए, ठीक है? अब ए से ए चाहे तो हम रेसिप्रोकल करके कैंसिल कर दें या फिर डायरेक्ट यहीं पे कैंसिल कर देते हैं, ठीक है? वैल्यू हमको क्या मिला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही चीज़ हमको प्रूव करना था, ठीक है? तो यहाँ लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड. क्लियर?